आम आदमी पार्टी कल रोजगार को लेकर हरियाणा में प्रदर्शन कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? हरियाणा के अंदर बहुत अशांति फैल चुकी है। हरियाणा का नौजवान रोजगार न मिलने की वजह से गुनाह के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो रहा है। पिछले 7 साल में हरियाणा में एक नया उद्योग नहीं लगा, सरकारी नौकरियां जारी नहीं की जा रही, पोस्टिंग होने के बावजूद भी नौकरियों की भर्ती नहीं की जा रही। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि ये जो बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 के 90 विधानसभाओं में कल प्रदर्शन करेगी। कल यानी 9 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग समय पे ये प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी के युवक जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो एमटेक है, बीटेक है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विभिन्न स्ट्रीम्स के अंदर हुआ है, पीएचडी होल्डर तक बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब अर्धनगर अवस्था के अंदर पूरी की पूरी विधानसभा में कल रोष प्रदर्शन करेंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक वो ज्ञापन पहुंचाया जाएगा। और भी कुछ सुनने में आया कि डिग्रियां लेकर भी लोग फाड़ेंगे, युवा जो है कह रहे हैं हमारी डिग्री किस काम की। युवाओं से निवेदन है डिग्री तो ना फाड़े, क्योंकि बहुत मेहनत से आपने इस डिग्री को अर्न किया है, परंतु आपका जो रोष प्रदर्शन है वो आप जरूर हमें करना चाहिए और सरकार को नौकरी देने का प्रावधान बनाने चाहिए। दिल्ली कितना 200 यूनिट मुफ्त करो, मुफ्त करो, मुफ्त करो। दिल्ली कितना 200 यूनिट मुफ्त करो, मुफ्त करो, मुफ्त करो। 24 घंटे बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। 24 घंटे बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। बिजली के कट बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्यूबवेल के तुरंत से तुरंत दो, तुरंत दो, तुरंत दो। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं ये जो बिल आ रहा है जहाजों के अंतर्देशीय पोत विधेयक के लिए, मैं इसके तो समर्थन में बात करता हूं, परंतु देश का किसान 8 महीने से सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। ये कानून उनके लिए भी बनना चाहिए और आप इसके साथ